एवरीवन, गुड आफ्टरनून. माय नेम इज नेहा कौरानी. आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड नेल आर्टिस्ट. आई टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. आई टॉट फाइव मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन. एंड मैंने इंटरनेशनली नेशनली हर जगह मेरे ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं. सिर्फ इंडिया में नहीं, मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अबू धाबी, हर जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं. मैंने ऑनलाइन क्लासेस दिए हुए हैं. एंड आज मैं आपको यहाँ पे, आज ये पंखुड़ी का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब लाइव है आई मीन. सो यहाँ पे आज मैं आपको जो नेला सिखाने वाली हूँ उसका नाम है रैबिट नेल आर्ट. ओके, बहुत इजी टेक्निक से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. एंड और जो आज नेल आर्ट मैं सिखाऊंगी आपको वो परमानेंट नेल आर्ट रहेगा. वो टेम्प्ररी या कोई ऐसा नहीं है. हम इसमें परमानेंट प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. हम इसमें कोई भी नेल पॉलिश, नेल पेंट ये सब यूज नहीं करते हैं. ओके, सो कैसे करना है इस पर मैं आपको डिस्प्ले प्लेट पर सिखाऊंगी. परमानेंट नेल आर्ट वो होता है जो हम एक्सटेंशन पे यूजली करते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सटेंशन पे ही होगा. आप किसी भी टाइप के नेल्स पे आप परमानेंट नेल आर्ट कर सकते हो. आप प्रेस ऑन पे कर सकते हो, आप टेम्पररी पे कर सकते हो, आप एक्रेलिक पे, बिल्डर जेल पे, हार्ड जेल, सॉफ्ट जेल, पॉली जेल, जेली हो गए, ऐसे कोई भी टाइप के एक्सटेंशन पे कर सकते हो. एंड नेचुरल नेल्स पे भी कर सकते हो. नेचुरल नेल्स पे कैसे करना है मैं इस डिस्प्ले प्लेट पे आपको सिखाने वाली हूँ. पूरा प्रोसीजर वही सिखाऊंगी जो नेचुरल नेल्स पे होगा इस डिस्प्ले प्लेट पे पर. ठीक है, और ये नेल्स निकलते नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए होता है ये. ओके, या आप इस पे डिजाइन बना के अपने क्लाइंट्स को शो कर सकते हो. ओके, सो जब भी हम परमानेंट नेल आर्ट करते हैं, सो फर्स्ट स्टेप होता है बफिंग. ओके, बफिंग क्या होता है दिखाती हूँ मैं आपको. दिस इज कॉल्ड बफर. बफर की हेल्प से हम अपने नेचुरल नेल्स को बफ करते हैं. ओके, आप इसको अपना नेचुरल नेल समझ सकते हो. ये जो डिस्प्ले प्लेट है आप इसको अपना नेचुरल नेल समझो. बफिंग करना बहुत जरूरी है. बफिंग हो गई है, आप देख सकते हो ये शाइनी है, ये डल हो चुका है बिल्कुल. ऐसे आपको बिल्कुल डल रफ सरफेस चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डस्टिंग. दिस इज कॉल्ड डस्टर. डस्टर की हेल्प से हमको जो हमने बफिंग किया, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आपके नेल्स में, आपके क्यूटिकल एरियाज में फंस जाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए डस्टर. डस्टिंग हो गया है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई यूवी बेस कोट. ओके, यूवी बेस कोट मैं अप्लाई कर रही हूँ. ट्रांसपेरेंसी जेल होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है. ओके, ये ट्रांसपेरेंट ही आता है. बेस कोट लगा दिया है मैंने. अब इसको मैं क्योर करूंगी यूवी एलईडी लैंप में फॉर 120 सेकेंड्स. ओके, सो ये क्योर हो चुका है. अब मैं इसे अप्लाई करूंगी यूवी जेल पॉलिश. यूवी जेल पॉलिश लगा रही हूँ मैं अभी. नेल पॉलिश नहीं है, नेल पेंट नहीं है, परमानेंट यूवी जेल पॉलिश है जो यूवी एलईडी लैंप में ही क्योर होती है. फर्स्ट कोट शुड बी थिन. ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू क्योर दिस फॉर 120 सेकेंड्स. हर एक चीज को क्योर करना कंपल्सरी है. यूवी लैंप में ही क्योर होता है, पैन के नीचे नहीं होगा. सो ये क्योर हो गया. ओके, अभी मैं इसे अप्लाई करूंगी सेकेंड कोट. यूवी जेल पॉलिश का सेकेंड कोट मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी. कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो गाइस. अब इसको फिर से 120 सेकंड से क्योर करेंगे. ये क्योर हो गया है. ओके, सो अभी हम बनाएंगे रैबिट. कैसे बनाना है मैं बता रही हूँ आपको. आपको व्हाइट कलर का जेल पॉलिश चाहिए. व्हाइट ना हो तो कोई और भी आप यूज कर सकते हो, बट व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा. ब्रश चाहिए ऐसा वाला, स्ट्राइपर ब्रश चाहिए. डॉटिंग टूल चाहिए, डॉटिंग टूल नहीं है तो टूथपिक यूज कर सकते हो.
अभी इसके यहाँ पे आपको डॉट लगाना है लाइक दिस एंड लाइन खींचना। मैंने ब्रश से ही डॉट लगा दिया, आप डॉटिंग टूल यूज कर सकते हो। अभी पहले इसको क्योर कर देते हैं, ठीक है? अब पहले हम इसको क्योर करते हैं यूवी लैंप पे फॉर 120 सेकेंड्स। ओके, अब ये क्योर हो गया है। अभी आगे का प्रोसीजर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको डॉटिंग टूल चाहिए, डॉटिंग टूल नहीं है, ये डॉटिंग टूल ऐसा होता है, अगर नहीं है आप टूथपिक यूज कर सकते हो। ओके, इसकी आंखें बना रही हूं मैं। अब मैं रेड कलर ले रही हूँ। थैंक यू नेहा। वो बनाया है छोटा सा। अब हम इसको क्योर करेंगे यूवी लैंप में फॉर 120 सेकेंड्स। अब मैं इसके ऊपर टॉप कोट लगाऊंगी, ये क्योर हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई टॉप कोट, यूवी टॉप शाइनिंग कोट हम लगाएंगे। ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता है यूवी टॉप कोट का। ओके, सो अब मैं इसको भी क्योर करूंगी यूवी एलईडी लैंप में फॉर 120 सेकेंड्स। सो ये हो गया है क्योर। अब मैं आपको एक और सिखाती हूँ। अब ना मैं डायरेक्ट सिखाती हूँ। मैं रेड कलर का जेल पॉलिश ले रही हूँ। अभी फर्स्ट को बिल्कुल थिन, अब हम उसको क्योर करेंगे यूवी लैंप में फॉर 120 सेकेंड्स। अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई जेल पॉलिश, यूवी जेल पॉलिश। सो ये क्योर हो गया है। अभी मैं आपको एक दूसरा सिखा रही हूँ, रैबिट। डॉटिंग टूल ले रही हूँ। ओके, व्हाइट कलर का जेल पॉलिश चाहिए और आपको
सबसे इजी टेक्निक है ये डॉटिंग टूल वाली। यूवी जेल पॉलिश शील्ड्स के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट शील्ड्स अच्छा आता है अगर आपको लेना हो तो। अभी हम इसको क्योर करेंगे, ये उल्टा रैबिट है। ओके सो इसकी आईज वगैरह नहीं बनाएंगे, उल्टा बैठा ये रैबिट सो इसकी आईज वगैरह नहीं बनेंगी। अभी पहले इसको क्योर कर लेती हूँ मैं फॉर 120 सेकेंड, सॉरी फॉर 180 सेकेंड्स, बिकॉज प्रोडक्ट हमने इसमें ज्यादा यूज किया है, काफी थिक प्रोडक्ट लगाया है। ओके ओके सो ये क्योर हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई यूवी टॉप शाइनी कोट। यूवी टॉप शाइनी कोट में अप्लाई करने वाली हूँ अभी। यूवी टॉप शाइनी कोट लगा दिया है, अब इसको भी हम क्योर क्योर करेंगे फॉर 120 सेकेंड। यूवी जेल पॉलिश नेल पेंट रिमूवर से भी नहीं निकलती है, वो परमानेंट रहती है। उसका रिमूव करने का पूरा ट्रीटमेंट अलग होता है, इतना इजी नहीं होता है जितना आपको लग रहा है, पर एक बार आ गया तो फिर इजी ही लगेगा। देखिए इट्स डन नाउ, ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आज का सेशन गाइस, प्लीज लेट मी नो आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा, मजा आया, हर एक चीज समझ में आई। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। फॉर मोर वीडियोस एंड more designs you can follow me and subscribe my channel also and you can follow ask pankhuri also okay so agar aapko aur bhi designs wagera dekhni hai aap humko follow and subscribe kar sakte ho ask pankhuri ko bhi and mujhe bhi mera naam hai neha korani okay mera insta id bhi neha korani hai mera youtube channel bhi neha korani okay thank you so much guys for joining this session bye bye see you in the next session thank you